नमस्कार दोस्तों, आज हमारे सामने है टाटा मोटर्स की 1822/69 बर्थ चेसिस और ये टाटा मोटर्स की 13.5 मीटर की चेसिस है। तो ये देख सकते हैं जो फ्रंट लुक है गाड़ी का, नॉर्मल टाटा मोटर्स की काउल चेसिस जैसा ही है। ये एलपीयू सेगमेंट की गाड़ी है। फ्रंट साइड में देखिए टाटा मोटर्स का लोगो है, शानदार ग्रिल आपको यहाँ पर मिल जाती है। फ्रंट साइड में आपको दो हैलोजन हेडलैम्प दिए हैं, यहाँ पर इंडिकेटर मिलता है। टाटा मोटर्स की 1822/69 में आपको 220 HP का इंजन मिलता है। ये 18,000 किलोग्राम ग्रॉस व्हीकल वेट सेगमेंट में आती है। फ्रंट साइड में दो हॉर्न दिए गए हैं और काफ़ी अच्छे से यहाँ पर वायरिंग वगैरह हुई है इसकी। टाटा एलपीयू 1822/69 टेरा प्लस आरपीएस रिटार्डर, ये इसका ओवरऑल साइड लुक। यहाँ पर इसका इंजन, ये ट्रांसमिशन, रिटार्डर। टायर्स इसकी बात कर ले तो इसमें आपको मिलता है 295/80 R21.5 सेक्शन के टायर्स। फ्रंट एक्सल पर आपको दिया गया है लिफ्ट स्प्रिंग सस्पेंशन। इसी के साथ साथ यहाँ पर है 24 वोल्ट बैटरी सेटअप, यहाँ पर बैटरी कट ऑफ स्विच। इसके अलावा यहाँ पर है इसका ATS यानी कि आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम। आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम का काम यह होता है कि जो हार्मफुल गैसेस इंजन की तरफ से आते हैं वो इसे रिड्यूस कर देता है और गाड़ी की पोल्यूशन में भी कमी होती है। इसके अलावा यहाँ पर एक न्यूमेटिक टैंक है, यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है। इसमें कुल आपको 3 न्यूमेटिक टैंक आपको यहाँ पर दिख जाती है। चेसिस की विड्थ आप देख सकते हैं, चेसिस भी काफ़ी अच्छी है और इसमें आपको डबलिंग की गई है। इसमें काफ़ी हेवी चेसिस इसमें बनाई गई है। इसके रियर एक्सल की बात कर लें तो इसमें आपको मिलता है एयर सस्पेंशन। ये देख सकते हैं एयर बैलून यहाँ पर दिया गया है। एयर सस्पेंशन की मदद से गाड़ी का जो कंफर्ट लेवल है वो बढ़ जाता है। यहाँ पर इसका स्पेयर व्हील लोकेशन पर स्टॉपर दिए गए हैं। रियर साइड में आपको दिए गए हैं हैलोजन टेल लैंप्स और इसके जो रियर सेंसर है वो जब बॉडी बनेगी तब उसके ऊपर माउंट किए जाएंगे। यहाँ पर इसका फ्यूल टैंक लोकेशन, एडब्लू टैंक के ऊपर आपको क्यूमिंस का लोगो यहाँ पर मिल जाता है। तो ये देख सकते हैं टाटा मोटर्स की 1822/69 बर्थचेस का ये शानदार डैशबोर्ड एरिया। ये ब्रांड न्यू स्टीयरिंग व्हील मिलता है। इसका जो मतलब स्टीयरिंग व्हील है थोड़ा सा मुझे सिग्ना की याद दिलाता है। यहाँ पर देखिए हॉर्न का बटन है और इसका 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन और कैनोपी लुक इस प्रकार दिखता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर ले तो यहाँ पर आरपीएम मीटर है, यहाँ पर ऑयल टेम्परेचर गेज है, यहाँ पर स्पीडोमीटर है और यहाँ पर फ्यूल लेवल गेज है। साथ ही साथ सेंट्रल साइड में आपको एक मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले यानी कि MID भी दिया गया है। यहाँ पर हेडलैम्प ऑन ऑफ के कंट्रोल से जो वॉल्वो से इंस्पायर्ड है। लेफ्ट साइड में आपको क्रूज कंट्रोल ऑन और ऑफ के कंट्रोल मिलते हैं। इसी के साथ साथ क्रूज कंट्रोल को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये देखिए इंक्रीज और डिक्रीज। इसी के साथ साथ यहाँ पर राइट लेफ्ट के इंडिकेटर के कंट्रोल्स हैं। यहाँ पर हेडलैम्प का भी आप यहाँ पर अपर डिपर कर सकते हैं। इसके अलावा स्टीयरिंग के राइट हैंड साइड में आपको वाइपर के कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ पर वाइपर डिले का कंट्रोल है, जैसे कि मतलब आपको कितने टाइम के बाद वाइपर चलना चाहिए आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ से आप इस गाड़ी के रिटार्डर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। रिटार्डर बेसिकली होता क्या है कि एक एडिशनल ब्रेक जैसा काम करता है। आप जितना अप्लाई करोगे उतना गाड़ी का जो ब्रेक है वो लगना शुरू हो जाता है और गाड़ी के प्रोपेलर से आपको डायरेक्टली कंट्रोल करता है। ये जो देख सकते हैं आप, ये रिटार्डर पार्ट है जो गाड़ी के प्रॉपलर शाप से जुड़ा हुआ होता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर एयरबैग है और कंट्रोल्स की बात कर ले, रीजनरेशन ऑन करने का बटन, यहाँ पर रीजनरेशन ऑफ करने का कंट्रोल। इसी के साथ साथ यहाँ पर फॉग लैम्प का बटन है, यहाँ पर एक डमी स्विच है, यहाँ पर हजार्ड लैम्प का बटन है, यहाँ पर इसके स्टीयरिंग कंट्रोल का स्विच है। आप इसकी जो स्टीयरिंग है वो मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं, बट आपको पहले गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी और उसके बाद इसका जो स्टीयरिंग है आप इसकी मदद से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ कंट्रोल्स हैं, जैसे कि यहाँ पर एक ABS का बटन है, यहाँ पर बैटरी कट ऑफ स्विच है, यहाँ पर लाइट मोड का बटन है, इसके साथ साथ नीचे एक्सेलरेटर ब्रेक और यहाँ पर क्लच है और इस प्रकार गाड़ी का जो ओवरऑल लुक है आता है। वाइपर मोटर वगैरह बॉडी बिल्डर अभी बाद में फिट करेंगे, बट यहाँ पर एक सेफ्टी के लिए मिरर है, यहाँ पर एक मिरर है। अब जानते हैं इस बस के कीमत के बारे में। इस बस की जो प्राइस रेंज है वो 35 लाख रुपीस से लेकर 37 लाख रुपीस तक जाती है और ये कीमत आपके राज्य में ऊपर नीचे हो सकती है, इस बात को ध्यान में रखिए। और अगर आप इस बस को फुल्ली बिल्ड खरीदना चाहते हैं तो आप टाटा मैग्ना 36 स्लीपर बर्थ की बस खरीद सकते हैं और इस बस की जो टोटल प्राइसिंग होगी वो 60 लाख रुपीस तक जाती है, जिसमें बस पूरी बंद कर आती है। और अगर आप चाहें तो बॉडी को बाहर से ही बना सकते हैं, जिसकी कीमत 20 से 25 लाख तक जाती है। पर ये डिपेंड करता है कि आप बॉडी कहाँ बना रहे हो और गाड़ी कहाँ से खरीद रहे हो। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।